तहसील आपके द्वार और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उदयपुर के एमबी बाल चिकित्सालय में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है। यहां एक नवजात बच्ची को मृत बताकर परिजनों के साथ भेज दिया गया। नवजात के परिजन जब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए तब बच्ची की सांसें चलती दिखी तो लापरवाही सामने आई। भरतपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां मोरी चारबाग स्थित जनाना अस्पताल के पास भ्रूण मिला जिससे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। कोटा के चावा में एक रोडवेज बस चंबल नदी में गिरते गिरते बची। रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिया पर मिट्टी की फिसलन की वजह से यह हादसा हुआ। यह बस बारा से दिल्ली जा रही थी। नागौर के सलाऊ मार्ग पर प्रकाश काला नाम के युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। कार सवार कुछ युवकों ने प्रकाश काला का अपहरण कर लिया। सूचना पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई। कार सवार युवकों ने अपहरित युवक के साथ मारपीट की और उसे बालवा सलाऊ रोड पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में बरामद किया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दौसा में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। अजमेर शहर में काला बाग स्थित मेडिकल की दुकान पर चोरों ने धावा बोला और 90,000 रुपए लैपटॉप चुरा कर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। चाकसू के नेशनल हाईवे 12 चौक रोड के शिवदासपुरा पुलिया पर तेज रफ्तार से निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉले को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। बूंदी के इंदौली में देर रात तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। गेहूं की फसल जो कि अब कटने के लिए तैयार थी वो बारिश के चलते खराब हो गई। किसान अब जल्द सर्वे करवाने और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में अचानक मौसम का मिजाज बदला। जहां लांगड़ा भाखरी सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई वहीं कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरे जिससे फसलों को नुकसान हुआ। राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। यहां तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई जिसके चलते एक बार फिर सर्दी का असर तेज हो गया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर मंडी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने से पहले क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस बार जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है उस तक पहुंचने के लिए बच्चों को 3 रेल की पटरियों को पार करना होगा जो कि खतरे से खाली नहीं। नागौर के मेड़ता में भगवान श्री चार भुजानाथ और मीराबाई के मंदिर में भव्य फाग उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें उपखंड अधिकारी के साथ साथ शहर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। उत्सव में मीराबाई के भजनों पर नृत्य कर फाग खेला गया। नागौर जिले की खिमसर मकराना कुचामन और डीडवाना पंचायत समिति की 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव को लेकर 15 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 44 लागू रहने का आदेश जारी किया गया। अलवर की किशनगढ़वास के खैरथल में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर खैरथल पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के फतेहगढ़ गांव में अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर रायपुर सीएचसी के मोर्चरी में रख पाया और मामले की जांच शुरू कर दी। उधर ग्रामीणों ने अधेड़ की हत्या की आशंका जताई। सवाईमाधोपुर के मौली थाना क्षेत्र के बहनोली गांव में कुएं में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करौली में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के कृत ने फार्मासिस्ट के विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फार्मासिस्ट 8 साल से अपने कैडर गठन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी मनीष बैरागी को पुलिस ने मंदसौर जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन आशा प्रथम की कार्रवाई को लेकर मानव तस्करी यूनिट की टीम डग पहुंची जहां डग भवानी मंडी मार्ग पर नए बस स्टैंड के पास एक मैकेनिकल दुकान पर कार्य कर रहे नाबालिग बच्चे को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया।
राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र में सब्जियों से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। वहीं ट्रक में भरी सब्जियां सड़क के किनारे बिखर गई। ट्रक चालक अस्पताल में इलाज जारी। नागौर के मेड़ता में राज्य के प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 के प्रधानाध्यापक भगवती प्रसाद मेहरा को मेड़ता शहरी नोडल प्रभारी बनाया गया। मेहरा ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। अलवर के किशनगढ़वास में रामनिवास प्रजापत विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रजापत ने 23 मतों से जीत हासिल की है। इस अवसर पर किशनगढ़वास युवा विकास मंच एवं समर्थकों ने रामनिवास का स्वागत किया। श्रीगंगानगर के साधुल शहर में चोरी मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की जाएगी। अलवर के बहरोड औद्योगिक की ग्रीन लैम इंडस्ट्री में ईसीएसआई से निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें फैक्ट्री के करीब 400 श्रमिकों और कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। डीडवाना के झालारिया मठ में चल रहे ब्रह्मोत्सव में तीसरे दिन भगवान बैकुंठनाथ की सवारी निकाली गई। इसके लिए भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं सवारी के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। नागौर जिले के कमेड़िया में बोर्ड परीक्षा का केंद्र बदलने पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रोशित विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने धरना दिया। स्कूल में 3 सालों से ताला लगा हुआ है। जोधपुर के देचुकी पंचायत में विकास अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में पीएम आवास योजना के मकान पूरे करवाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं नरेगा का काम शुरू नहीं करने पर 3 विकास अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया। राडनू में एवीवीएनएल के मुख्य अभियंता एनएस निर्वाण ने खंड कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में मुख्य अभियंता निर्वाण ने बताया कि बकाया राजस्व वसूली के संबंध में चर्चा की गई, साथ ही बकाया राशि वसूलने के लिए निर्देश भी दिए गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में निसंतान दंपति को डरा धमकाकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसडीएम को अपने भाई, उसकी पत्नी और भतीजों के खिलाफ परिवाद दिया और सुरक्षा की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की। जालौर के जसवंतपुरा के राजिकावास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि राजिकावास और नांतलावास गांव की सरहद पर अवैध कब्जा कर फसल की बुआई की गई। पाली के रायपुर विद्युत विभाग की टीम ने क्षेत्र के कई गांवों में कार्रवाई करते हुए बकायेदारों के विद्युत ट्रांसफर उतारे और बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारे और बकायेदारों के पिछले कई सालों में से बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं। कोटा में पूरा संपदाओं का महत्व समझाने के लिए अभेड़ा के तालाब में श्रमदान किया गया और उस कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमियों के साथ स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में तालाब से पॉलिथीन और कचरे को निकाला गया। जालौर के राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय झांक में वार्षिकोत्सव और आशीर्वाद समारोह धूमधाम से मनाया गया। भामाशाह अर्जुन सिंह ने स्कूल को वाटर कूलर भेंट किया। जोधपुर के फलौदी के कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को ठीक करने की मांग की गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में नीतीश घटायानी विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नीतीश ने 6 मतों से जीत हासिल की। इस मौके पर उपस्थित नेताओं और युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश को बधाई दी। जालौर के जसवंतपुरा उपखंड अधिकारी ने ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्र के राम सिंह थाना प्रभारी को आबादी क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंडर लोड भरने के निर्देश दिए। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में सिंचाई के लिए चमली बांध की मुख्य नहरों में जल प्रवाह जारी है, जिससे करीब 8,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है। ये जल प्रवाह 10 मार्च को बंद होगा। इस दौरान पूरे कमांड एरिया में पानी पहुंच जाएगा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधायक रमेला खड़िया ने बताया, विधानसभा में कुशलगढ़ खेल स्टेडियम के लिए बजट मांग रखी जा रही है। विधायक ने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम जरूरी है। झालावाड़ जिले में अफीम की खेती पूरे परवान पर है। इससे पहले कि किसान अपनी मेहनत का स्वाद चखें, खराब मौसम और आवारा जानवर किसानों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। जालौर के जसवंतपुरा के सीनियर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तर पर पहली बार युवा संसद का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा की तरह सांसदों की शपथ, लोकसभा स्पीकर का चयन और प्रश्नकाल आयोजित हुआ। इस संसद के मौके पर उपखंड अधिकारी ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय प्रशासन को धन्यवाद दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के
मनपसर गांव में संगीत में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के पांचवें दिन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कालावार के मिनी सचिवालय के बाहर पिछले 17 दिनों से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था। सभी 70 सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि इन्हें यहां दोबारा नियुक्त किया जाए। दिल्ली में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में भोपालगढ़ के उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल को सम्मानित करने पर कस्बे में खुशी की लहर छा गई। सुखराम पिंडेल को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पूरे प्रदेश में चौथी रैंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। जालौर के रामसीन बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अस्तु जीनगर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में जाकर फल फूल बांटे और साथ ही गरीब बस्ती के बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटी गई। जोधपुर के बालेसर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में बालेसर के महेंद्र शर्मा दूसरे स्थान पर रहे, जिनका लोगों ने स्वागत किया। दौसा के सिकराय के आंगनबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आशा सहयोगियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक किया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के गंगापुर मोड़ पर अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया, साथ ही 20 लोगों को अवैध बजरी परिवहन की रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में शामिल होने पाकिस्तान से आए 211 जायरीनों में से एक की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के बहरोड के एक निजी स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसमें दहेज प्रथा, नशाखोरी और अपराध की दुनिया के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उनसे दूर रहने का आह्वान किया गया। बीकानेर में राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्स की एकता यूनियन की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें गौरी शंकर चौधरी को यूनियन का जिलाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में बीकानेर में टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग भी उठाई गई और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। होली का त्यौहार पास है और लोग इस बार केमिकल से बने रंगों से बचते नजर आ रहे हैं। भरतपुर की बात करें तो यहां पर फल और सब्जियों से बने ऑर्गेनिक गुलाल और रंगों की बहार दिखाई दे रही है। स्वयं सहायता समूह की ओर से महिलाओं को ऑर्गेनिक अबीर और गुलाल बनाना सिखाया जा रहा है। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल शासन सचिव के पाठक से मिला, जहां आंगनबाड़ी प्रदेश महामंत्री रचना वैश्रम ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की। मीनमाल में राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा लंबी दूरियों की बसों को बंद करने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री निजी बसों में यात्रा करने को मजबूर है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जोधपुर के भोपालगढ़ के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं की बालिकाओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। मेरोड़ के गंडाला गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय के पूर्व होनहार छात्रा एवं सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पूजा जांगर का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के किशनगढ़वास के माहौंद गांव में स्थित राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। प्रिंसिपल मुकेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत सम्मान कर स्कूल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। चूरू के सरदार शहर में 5 दिवसीय लर्निंग सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। 6 मार्च को एक भव्य मेले का आयोजन भी होगा। जैसलमेर के पोखरण में होली पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस थाना पोखरण में CLG की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के बारे में जानकारियां दी गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।